Good morning friends, welcome to another vlog. And अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं एंड मैंने यहाँ चैलेंज लिया है योगा का, बिकॉज टुडे इज इंटरनेशनल योगा डे. आज के दिन मैंने और मेरे मम्मा पापा ने चैलेंज लिया है कि वी गोना डू योगा, इसलिए मुझे जल्दी उठना पड़ा. एंड मेरे से उठा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं अपने बरांडा में आ गई हूँ कि सो दैट थोड़ी आइज तो खुल जाए. यार बहुत नींद आई पड़ी है, बहुत नींद आई पड़ी है ज़बरदस्त वाली. एंड हैप्पी फादर्स डे. सो मेरे पापा को नहीं पता है, तो आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ फादर्स डे पे स्पेशल किया जाए. तो लेट्स सी क्या होता है, वो तो शाम का प्लान है जो भी है, लेकिन फिलहाल अभी हम योगा करेंगे. सो लेट्स गो. मम्मा पापा को उठाएं, उससे पहले मैं हमेशा उठ के गर्म पानी पीती हूँ, उससे पहले तो वो अलग टास्क पूरा कर लूँ अपना. पापा मम्मा को भी उठाओ दो.
हमारा योगा सेशन तो बहुत अच्छे से रहा भाई, हमें बहुत मज़ा आया। सच बोले बहुत बुरी हालत हुई, लेकिन चलो हमें इतनी आदत नहीं थी, अब हमारे डाल लेंगे। क्योंकि बचपन में वी यूज टू डू योगा एवरी डे, बट अब तो डेली रूटीन ही ख़राब हो चुकी है बहुत बुरी तरह। एंड अब पापा से कुछ जानते हैं योग के बारे में। पापा कुछ बोलो। पापा आपके कुछ व्यूज जानना चाहते हैं हम। What do you want to say on this International Yoga Day? Happy International Day. Yoga कहाँ गया? Yoga. ठीक है। International. Happy Yoga International Day. Happy International Yoga Day होता है। Happy International Yoga Day. हाँ। ये जो योगा स्टार्ट किया था हमारे पूर्वजों ने किया था, और जो इसका बेसिक नींव पत्थर है वो हिंदुस्तान में ही रखा गया है, और अभी ये सभी इंटरनेशनल लेवल पे सभी लोग कर रहे हैं। अभी एक्सरसाइज का लोगों का एक अंदर बैठे, जिसके लिए बाहर जिनके पास स्पेस नहीं है वो अंदर बैठ के ही इसके साथ अपनी सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे कई रोगों से मुक्त हो सकते हैं। आप करते हो? मैं करता हूँ, बहुत ज़्यादा योगा करता हूँ, और योगा ऐसा करता हूँ, और उसके बाद मेरा डेली का मेरा वो क्या कहते हैं उसको, वॉकिंग बहुत ज़्यादा है हमारी, क्योंकि हमारा जो एरिया है जो सुबह का सैर करने, सुबह और शाम सैर करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। आप लोगों ने मेरे पापा की तो बातें सुन ली होगी, ही इज़ वेरी कैमरा कॉन्शियस, और अभी मेरे को कह रहे हैं यार अभी मैं कौन सा, अभी मैं न्यू हूँ, तो धीरे धीरे मैं अच्छी स्पीच देना स्टार्ट हो जाऊँगा। बट फ्रैंकली बहुत अच्छी ट्राई की पापा ने मेरे, मैंने तो बॉय बहुत मुश्किल से कैमरा पे बोलना सीखा है, बहुत बुरे हालत है। तो मैंने सोचा योगा डे है तो जहाँ पे हमने योगा किया है मैं आपको अपना थोड़ा सा गार्डन दिखा दूँ। सो ये देखो मैंगोस। अरे यार हमारे घर पिछले दिन ना बहुत तेज़ बारिश हुई थी, इतनी तेज़ बारिश हुई थी ना कि अनफॉर्चुनेटली ये हमारा मैंगो ट्री टिल्ट हो गया है, एंड ऊपर से इसकी एक ब्रांच अच्छी खासी मोटी वाली टूट गई है, और हमारा जो पेड़ है ना वो आधा कट गया है। सो हमारे घर में ट्रीज, ये मैंगो हो गया, दिस इज मैंगो, दिस इज गुआवा, एंड ये दिस इज आड़ू का पेड़ अभी हमने खा लिए हैं सारे। लीडी फिंगर, हाँ वी हैव अ लेमन ट्री ऑल्सो, नींबू का पेड़, लुक, और ये पुदीना, दिस इज होल पुदीना, और ये पापा रात की रानी, देखो ये केड़ी है, पता नहीं, और ये करेले की बेल है, देखो मैंगोस, बड़े मैंगो लगे यार इस बार हमारे पेड़ पे, बड़े ज़्यादा। ये टमाटर, दिस इज टोमेटो ट्री, टोमेटो, टमाटर लगा हुआ है कहीं, हाँ लुक, ये रे हमारे घर के टमाटर, तुलसी तो पापा हर इंडियन के घर पे तुलसी तो होती है भाई, तुलसी एक ऐसी चीज है कि हर इंडियन के घर मिल जाएगी आपको भाई, तुलसी के फायदे बताने की जरूरत नहीं। एंड दिस इज आमले का पेड़, बता दिया तुलसी लगी हुई है, वो बीन्स की बेल है, बीन्स की पापा वो क्या कहते हैं उसको, एंड ये बहुत अच्छे फ्लावर्स लगते हैं यार, बहुत अच्छे फ्लावर्स लगते हैं, दिस इज हिबिस्कस, हिबिस्कस एंड चलाई ये चलाई है, चलाई बहुत अच्छी ग्रीन वेजिटेबल कह सकते हो आप, हमारे घर में जो हर दूसरे दिन बनती है मुझे इतनी नहीं पसंद, बट खानी पड़ती, क्या करें। एंड बहुत क्यूट गार्डन है, क्योंकि हमारा तो बचपन भाई यहीं गुजरा है,
हैप्पी इंटरनेशनल डे। और एक और बात करनी थी, अभी पापा पीछे चले गए, सो पापा को मैंने फादर्स डे की विश नहीं की है, क्योंकि पापा को ऐसे मैं लगवाऊंगी कि मुझे याद नहीं है एंड हम कुछ नहीं करने वाले पापा के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली आज है संडे, हमारे घर में नीम का भी पेड़ है, मुझे याद आ गया, ये एक नीम और ये एक नीम जो आम के पेड़ के साथ ही पुर ऊपर चली गई। सो आई वाज सेइंग कि पापा को मैं ऐसे फील करा रही हूँ कि जैसे वी आर नॉट गोइंग टू सेलिब्रेट फादर्स डे, बट आई हैव सम डिफरेंट प्लान्स। अभी वैसे अनफॉर्चुनेटली संडे है, आई डोंट नो कि पापा को कब तक हम उस रूम में जाने से रोकेंगे, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं सोच रही हूँ घर पे ही एक केक बेक करूँ, और सामान नहीं मिल रहा है बिकॉज बहुत शॉर्टेज हुई पड़ी है, और ऐसे टाउन में तो वैसे ही आपको पता है शॉर्टेज हो जाती है अच्छे खासे सामान के लिए, जैसे आई वॉन्ट चॉकलेट्स, ये सब नहीं मिल रही है, सो आई हैव टू मैनेज। एंड सो ये फ्रेंड, उस टाइम मैं भूल गई थी एक्चुअली एंडिंग करना, एंड तो फिर मेरे को पापा की फादर्स डे की प्रेपरेशन भी करनी थी। सो अब हम थोड़ी डेकोरेशन वगैरह करने लगे हैं, एंड दैट वीडियो इज़ गोइंग टू बी कम वेरी सून। सो आप लोग प्लीज़ ऐसे प्यार बनाए रखें, एंड डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड टू